गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स के कॉल आए वेबसाइट के रिगार्डिंग कि आप फ्री में वेबसाइट बना करके दे रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आप हम सबकी हेल्प कर रहे हैं। तो अभी मैक्सिमम ट्रैवल एजेंट्स के वेबसाइट में डिप्लॉय कर चुका हूँ, बस उनको डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। अगर वो मुझसे भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अभी जो सेकेंड उनका जो क्वेरी थी कि हम जयपुर को कैसे घूम सकते हैं एक कम टाइम में और एक समय देकर के सोलो ट्रैवलर्स के लिए और एक फैमिली के लिए, आप हमें एक बार एक्सप्लेन कर दें। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो भी मैं आपको टूर बताऊँगा, ये सारे का सारा जो टूर है होटल गौरव से रहेगा। तो देखिए, पहले फर्स्ट डे का जो टूर अगर आप फोर्ट करना चाहते हैं तो आप तीनों फोर्ट कर सकते हैं, आमेर फोर्ट, जयगर, नाहरगढ़। जो आमेर फोर्ट है वो 11.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, अप्रॉक्स मान के चलिए कि वो 11.5 किलोमीटर है होटल गौरव से, और उससे आपको थोड़ा सा पीछे आना है 3 किलोमीटर, और फिर वहाँ से जयगढ़ फोर्ट आपका पड़ जाता है 6 किलोमीटर हिल पे। फिर उसके बाद 2.5 किलोमीटर आपका पड़ जाता है नाहरगढ़ फोर्ट, और फिर वहाँ पे नाहरगढ़ जू भी है। तो अप्रॉक्स जो ये टोटल डिस्टेंस कवर होता है ये आपका 20 किलोमीटर्स के आसपास हो जाता है फर्स्ट डे का। सेकेंड डे अगर आप वहाँ से दोबारा, अगर आप होटल गौरव नहीं आना चाहते हैं, अगर सुबह से शाम तक घूमना चाहते हैं 5-6 बजे तक, जो कि कनक गार्डन और कनक घाटी भी आपकी वहाँ पे कवर हो जाती है, तो टोटल ये आपका अप्रॉक्स पड़ा होटल गौरव से 30 किलोमीटर्स का ये पूरा डिस्टेंस आप कवर करते हैं। तो इसमें आपका क्या क्या आ गया, फर्स्ट आमेर फोर्ट, जयगढ़, नाहरगढ़, कनक गार्डन, कनक घाटी, ये आपने 5 स्पॉट फर्स्ट डे में कवर कर लिए। मैं आपको ये एक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक, मतलब फोटो और ये आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, डाल करके दिखा दूंगा। सेकेंड डे आप जो कवर करना चाहते हैं वो आप हवा महल चले जाएं, होटल गौरव से 3.4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। सिटी पैलेस जंतर मंतर जस्ट उसी के पास ही है, थोड़ा सा आगे जा करके। तो ये अगर होटल गौरव से देखें तो 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, 3.1 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। फिर नेक्स्ट जो अगर आप कवर करना चाहते हैं, पत्रिका गेट कर लीजिए, फोटोशूट, वेडिंग, प्री वेडिंग शूट का बहुत अच्छा लोकेशन है, और वहाँ से जलान जंगल जो सफारी अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ से 1 किलोमीटर है। तो ये जो टोटल आपका डिस्टेंस होता है जो कवर हो जाता है, सेकेंड डे हवा महल, सिटी पैलेस जंतर मंतर, अल्बर्ट म्यूजियम, पत्रिका गेट, ये जो टोटल आपका डिस्टेंस कवर होता है ये होता है 25 किलोमीटर्स का, ठीक है। तो ये सेकेंड डे का हो गया, और इसके बाद आप शाम के 6-7 बजे तक होटल आ जाते हैं होटल गौरव में। फिर 1 घंटे का आप ब्रेक ले लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, चाय पानी कॉफ़ी ले लीजिए। उसके बाद मैक्सिमम ट्रैवल एजेंट्स को हमने देखा है कि ऑप्शनल टूर दे देते हैं। आप सेकेंड डे के नाइट में चौकीधानी को कवर कर सकते हैं। जो चौकीधानी है यहाँ से 23 किलोमीटर्स पड़ता है होटल गौरव से, और ये आपका सेकेंड डे का नाइट का टूर हो गया। तो आपने रात में एक और एक्स्ट्रा स्पॉट कवर कर लिया, तो ये रात के 11 बजे तक चौकीधानी खुला रहता है। तो आप देख लीजिए आपने सेकेंड डे में क्या कवर कर लिया, हवा महल, सिटी पैलेस जंतर मंतर, अल्बर्ट म्यूजियम, पत्रिका गेट, और जलाना सफारी अगर आप करते हैं तो फिर आप चौकीधानी को स्किप करना पड़ेगा आपको। अगर आप सफारी कैंसिल करते हैं जो जलान जंगल सफारी है, तो आप चौकीधानी पकड़ लीजिए, क्योंकि जलान सफारी अगर फैमिली 3 घंटे में करना चाहती है, 6 घंटे में करना चाहती है, तो आपका वो वहाँ पे आप टाइम को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट 2 नाइट 3 डेज का टूर जयपुर। फ्रेंड्स, तो जो सेकंड सब्जेक्ट था सारे ट्रेवल एजेंट्स का कि हमें टिकट्स के बारे में आप बता दीजिए, तो टिकट्स में आपको बता देता हूँ। अगर आप आमेर फोर्ट जाते हैं तो फॉरनर्स के लिए 550 पर पर्सन पड़ता है, इंडियंस के लिए 100 रुपीज़ और स्टूडेंट्स के लिए 50 रुपीज़। और फिर आपको जयगढ़ में फॉरनर्स के लिए 100 रुपीज़ है, इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ है। नाहरगढ़ में आपको इंडियंस के लिए जो है 50 रुपीज़ है, और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट रहता है हर जगह, तो 25 रुपीज़ पड़ता है, और फॉरनर्स के लिए 200 रुपीज़ है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नाहरगढ़ जू, वहाँ पे 120 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है, ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हवा महल की, हवा महल में 50 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है आपको। जो मैं गया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, पीक सीजन में शायद ये थोड़ा बहुत चेंज होता है, और फॉरनर्स के लिए 200 रुपीज़ पड़ रहता है पर पर्सन। सिटी पैलेस में पर एडल्ट अगर आप देखें, इसकी मैं एक्सेल शीट आपसे शेयर कर दूंगा सारे ट्रेवल एजेंट्स को, सिटी पैलेस में जो है पर एडल्ट 200 रुपीज़ पड़ता है, जो मैं गया था और मेरे बच्चे के लिए 100 रुपये पड़ा था, 100 रुपीज़ पर चाइल्ड पड़ा था। और जंतर मंतर में 50 रुपये है जस्ट ओनली एडल्ट के लिए, और चाइल्ड अगर बिलो 5 ईयर्स है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, उसका कोई चार्ज नहीं है। जो मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्राइसिंग, ये
टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, बट मैक्सिमम टाइम यही प्राइसेस रहते हैं। और फिर पत्रिका गेट, वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी है, ये जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है सब जगह पार्किंग की फैसिलिटी है, बट वहाँ पे फोटोशूट होता रहता है, वहाँ पे कोई आपके चार्जेस नहीं लगते हैं। पत्रिका गेट से जस्ट 1 किलोमीटर आगे अगर आप जाते हैं तो झालाना जंगल सफारी पार्क पड़ता है, आप वहाँ पे जिप्सी लेते हैं, वहाँ पे पैकेजेस होते हैं, तो जैसे पर पर्सन 600 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, एक जिप्सी में जितने पर्सन, मतलब अप्रॉक्स 9,000 रुपये का हाफ डे का पैकेज आता है। फिर जो ऑप्शनल मैंने आपको बताया, अगर आप झालान जंगल सफारी पार्क जाते हैं तो 6 घंटे तो वहाँ पे मिनिमम लगने लगने हैं, अगर 3 घंटे का पैकेज लेते हैं तो उसमें कवर नहीं हो पाता है वो पूरा। अगर आप झालान सफारी पार्क जाते हैं तो आपको चौकीदानी स्किप करना पड़ेगा, तो चौकीदानी में क्या है, 800 रुपये पर पर्सन की टिकट होती है एडल्ट की, और अगर चाइल्ड की हाइट 3.5 फीट से 3 फीट से नीचे है तो कोई चार्जेस नहीं है, बट अगर उससे ऊपर है तो चाइल्ड की चार्जेस 400 रुपये पर चाइल्ड पड़ता है। ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, पीक सीजन में कुछ और रेट हो जाते हैं, जैसे पीक सीजन में कपल एंट्री 5,000 रुपीज़ की हो जाती है कभी कभी चौकीदानी में, तो वो एज पर चौकीदानी के हिसाब से है, मतलब वो लोग खुद ये प्राइस तय करते हैं। तो अभी जो हम लोग जो गए थे वो 800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, पर एडल्ट के हिसाब से हमने पे किया था। तो ये हो गई प्राइसिंग, तो इससे आप सभी ट्रैवल एजेंट्स को, मेरे दोस्तों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जयपुर का पैकेज आप किस तरीके से और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं इन सभी टूरिस्ट स्पॉट पे, जैसे कि खोले के हनुमान जी जाना है तो खोले के हनुमान जी के ऊपर वैष्णो देवी का टेम्पल है, वहाँ कैसे जाना है, ये बहुत से कुछ कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जो सोलो ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप ये जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सारे ट्रैवल एजेंट्स मेरे साथ जितना हो सके उतना कनेक्ट होए, और मैं आपको उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा राजस्थान के बारे में। थैंक यू।